वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी अयोध्या पहुंचा छे। अयोध्या रेलवे स्टेशन नू तेमणे उद्घाटन कर्युं छे अने 8 ट्रेनों ने अलग अलग ट्रेनों ने एक ज समय लीली झंडी आपी ट्रेनों नू प्रस्थान कराव्युं छे। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी नी साथे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पण उपस्थित हता। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव पण तेमणी साथे उपस्थित हता। एरपोर्ट थी रोड शो कर्या बाद रेलवे स्टेशन खाते प्रधानमंत्री पहुंच्या हता, ज्यां 8 किलोमीटरना रोड शो में प्रधानमंत्री ये अलग अलग लोकोनू मोटी संख्या में जो लोग निहाळवा माटे तेमनु अभिवादन करवा माटे त्यां उपस्थित हता, तेमनु अभिवादन झीलू हतुं अने तेमणे ए अयोध्या रेलवे स्टेशन नुं पण लोकार्पण वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी द्वारा करवामां आव्युं। आ उपरांत जे अमृत भारत ट्रेन छे तेमां पण सवार प्रधानमंत्री थया हता। तेमना जे स्टाफ छे तेमनी साथे पण प्रधानमंत्रीए वात करी। त्यां ए ट्रेन में बेसेला जे केटलाक विद्यार्थीओ विद्यार्थिनीओ हता तेमनी साथे पण प्रधानमंत्रीए वात करी। प्रधानमंत्री अयोध्या रेलवे स्टेशन उद्घाटन करूँ आखा परिसर में प्रधानमंत्री पोते फर्या हता। कई कई सुविधाओं लोगों ने मळवानी छे ए तमाम विषय विगतवार माहिती प्रधानमंत्रीए मेळवी हती। प्रधानमंत्री देशना तमाम लोगों माटे एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट छे ए अयोध्या रेलवे स्टेशन होय, अयोध्या एरपोर्ट होय के पछी अयोध्या में निर्माण थयेलू अने 22मी तारीखे प्राण प्रतिष्ठा जे थवा जई रही छे ते राम मंदिर होय। अजय यादव वधु माहिती साथे फरी एकवार जोड़ा गया छे। अजय, ये प्रोजेक्ट जो है काफी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, न मात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लेकिन देश के हर एक व्यक्ति के लिए जो भगवान राम में आस्था रखता है, जो भगवान राम में आस्था रखने के बाद उनके दर्शन के लिए वहां आना चाहता है। देखिए, निश्चित तौर पे इस वक्त अयोध्या नगरी में जो कुछ भी हो रहा है सब महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। उसको इस प्रोजेक्ट के जरिए न सिर्फ भगवान राम की इस नगरी को पूरा राममय दिखाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि तमाम सारे जो प्रोजेक्ट हैं उसमें जब भी कोई आदमी या भक्त इस अयोध्या में आए तो उसे कम से कम पूरी अयोध्या को जिधर भी उसकी नज़र जाए पूरी अयोध्या राम में नज़र आए, इस तरह की कोशिश की जा रही है। कोई एक दो प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि 15,700 करोड़ की प्रोजेक्ट है। खास करके आज के दिन की बात करें जिसमें 11,100 करोड़ के जो प्रोजेक्ट है वो सिर्फ अयोध्या के लिए हैं, बाकी उत्तर प्रदेश के लिए हैं। लेकिन इसमें भी टाउनशिप बननी है और जगह जगह कुछ ऐसे आर्किटेक्ट बनने हैं ताकि सड़कों से लोग गुजरें तो कलाकारों के द्वारा जो पूरा रामायण के अलग अलग कांड हैं वो भी लोगों को देखने में नज़र आए। तो कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कहीं ना कहीं भगवान की राम नगरी में जो है वो अलग अलग तरीके से और अलग अलग जगहों पे बन रहे हैं। और खास करके 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है तो उससे पहले जो कुछ भी बन सकता है अयोध्या नगरी को खूबसूरत बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कल मैंने कई सारे लोगों से बात की जो मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग थे, उनका कहना है कि अभी भी अयोध्या को सुंदर होने में काफ़ी वक्त लगेगा, 4-5 साल से ज़्यादा ही लग सकता है, तब अयोध्या अपने असली स्वरूप में उभर के आएगी और कह सकते हैं कि धार्मिक नगरी को या राम की नगरी को जिस तरह होना चाहिए उस तरह का उसका लुक उभर के आएगा। लेकिन फिलहाल अभी मैं एक दृश्य आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब अयोध्या धाम जंक्शन का उद्घाटन हो रहा था तो ये सब जो छात्राएं हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने को बेताब थी। इन्हें विश्वास नहीं था कि प्रधानमंत्री की एक झलक वो पाएंगी या नहीं पाएंगी, लेकिन जब ये ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई तब ये लोग मोबाइल में प्रधानमंत्री को कैद करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग सफल हो पाए और कुछ लोग असफल हो गए। जो सफल हो गए एक दूसरे को मोबाइल से ट्रांसफर कर रहे थे, ऐसे ही हुआ ना? Yes, sir! हम लोग जय जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, हमें बहुत अच्छा लग रहा था उन्हें देख के। थोड़ा ग्लिंच आ रहा है, नेटवर्क कनेक्टिविटी थोड़ी तकलीफ में दिखाई रही है, परंतु